दोस्तों नमस्कार, कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 4 अगस्त 2023। दोस्तों अजय एस्ट्रो मनी गुरु संभवतः विश्व का पहला एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल है जो इंडियन सिस्टम ऑफ एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस के संयुक्त प्रयासों से आप तक विश्लेषण पहुँचाने का प्रयास करता है। दोस्तों तेजी या मंदी आने के बाद उसके कारण गिनाने से कभी भी कोई व्यापारी ने आज तक फायदा नहीं उठाया है। विश्लेषण या अनुसंधान वही है जो समय से पहले आपको सचेत करे, अलर्ट दे, सावधानी बरतने की आपको आगाह करे, तभी आपको फायदा होता है। तो दोस्तों हमारा चैनल हमेशा कोशिश ये रहती है कि हम बाजारों की खबरों से आपको रूबरू कराएं, साथ साथ समय पर आपको सचेत भी करें। चाहे वो तिलन हो, दलन हो, मसाला हो, कपास हो, गवार सीड हो, इन सभी के विश्लेषण और रिसर्च रिपोर्ट्स हमारे चैनल पर के माध्यम से आपको प्राप्त कर सकते हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। खबर निकल के आ रही है आज के इस शो में हम चने के ऊपर बात करेंगे, दलहन के राजा चना। कहा जाता है कि सारी दालें एक तरफ और चना एक तरफ, और चने के भाव पर सरकार की रहती है पैनी नज़र। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र के उत्पादक मंडियों में चने की अराइवल कम होने के समाचार मिल रहे हैं। पिछले दिनों की में जो थोड़ी बहुत तेजी थी उसके अंदर व्यापारियों ने काफ़ी स्टॉक बेच भी दिया है, और इससे अच्छी क्वालिटी की भाव की चने की शॉर्टेज बन सकती है। चना दाल और बेसन की त्योहारी डिमांड आने के कारण अच्छी क्वालिटी के चने की मांग एक बार फिर बाजार में आना शुरू हो गई है। इससे अच्छी क्वालिटी के चने के दाम में मजबूती दिखाई दी है। व्यापारियों को यहां तक कहना है दाल मिलों के पास चने का स्टॉक नहीं के बराबर है, जिससे वर्तमान दाम और तेजी नजर आ रही है। चने दाल में भी लिवाली जोरदार रहने से इसके अंदर मजबूती नजर आई है। यदि हम आज के चने के ताज़ा भाव मंडियों के देखें तो बीकानेर राजस्थान में चने के भाव 5300 रुपये के भाव बताए जा रहे हैं, जबकि देवास मध्य प्रदेश में चने के भाव विशाल 4700 रुपये और काबली चना यानी डॉलर काबली 13000 से 13800 के भाव बताए जा रहे हैं। साथ साथ यदि हम चर्चा करें मुंबई मार्केट की, तो मुंबई मार्केट में चने तंजानिया 4950 और सूडान काबली के भाव 7300 के बताए जा रहे हैं। साथ साथ यदि हम कानपुर की बात करें तो उत्तर प्रदेश लाइन में 5575 रुपये और मध्य प्रदेश लाइन के अंदर 5525 रुपये के भाव बताए जा रहे हैं। साथ साथ लातूर महाराष्ट्र से बात करें तो विजय 5200 से 5350 और अन्नागिरी 5200 से 5350 के भाव बताए जा रहे हैं। अब देश की राजधानी दिल्ली में राजस्थान लाइन के चने के भाव 5500 बताए जा रहे हैं और मध्य प्रदेश के लाइन बी के भाव भी लगभग 5500 रुपए के भाव बताए जा रहे हैं। ये थे आज के ताज़ा भाव, अब जानिए आगे की रिपोर्ट। दोस्तों चने में व्यापारी व किसान पिछले 1.5-2 साल से काफ़ी परेशान हैं, और यही पहले स्टॉक लिमिट और सरकार की पैनी नज़रों की वजह से किसान और व्यापारी चने को फूक फूक कर कदम उठाते हैं। दोस्तों राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक व आंध्र प्रदेश के सभी उत्पादक क्षेत्रों में देशी चने की आवक लगभग आधी रहने के समाचार मिल रहे हैं, और जो माल की कमी वहीं लोकल दाल मिलों में खपत हो रही है। इस बार उत्पादक क्षेत्रों में देशी चने की औसत बिजाई करीबन 35 से 37% कम होने के समाचार हैं। गौरतलब है कि सरकार ने जो आंकड़े दिए थे वो काबुली चने और देसी चने को मिला के दिए थे, और उसमें बिजाई अच्छी की बात थी, लेकिन वास्तविकता यह है कि काबुली चने की बिजाई तो अच्छी थी लेकिन देसी चने की बिजाई कम थी, जिसका हमने आपको उस वक्त भी बार बार आपको लगातार आगाह किया था। उसका नतीजा अब सामने आ रहा है। आंध्र प्रदेश की मंडियों में देसी चना आना चाहिए था, उतना वह इस बार नहीं आ रहा है, और दाने भी वहां के छोटे हैं। माल की कमी, हल्के व नमी माल से दाल मिलों को चने की खरीदारी करनी पड़ रही है। वर्तमान में ही चने में 2 दिनों में ही लगभग 150-160 रुपए की बढ़त हो गई है, और लॉरेंस रोड पे भी 5500 रुपए प्रति क्विंटल के भाव बताए जा रहे हैं। दाल मिलर से बात करने पे पता लगा कि मंडियों में हाजिर माल खरीदने व राजस्थानी चने के भाव 5650 रुपए मिल के गेट पर पड़ रहा है, जबकि दाल के भाव 6100 रुपए के आसपास हो रही है, जो पड़ते में नीचे दिख रही है। अतः दाल के पड़ते को देख के वर्तमान में चना लगभग 5700 रुपए का होना चाहिए, ऐसा कहना है व्यापारियों का। महाराष्ट्र के अकोला जलगांव लाइन में आज की तारीख में देसी चना मंगाने पर 5700 रुपए का पड़ता है, और राजस्थानी चना 5600 रुपए का यहां आकर पड़ता है, व्यापारी का कहना है। मध्य प्रदेश से देसी चना आना कम हो रहा है, और प्राइवेट सेक्टर में माल नहीं है। इंदौर ग्वालियर लाइन में दाल मिले
वहाँ से ही खरीद रहे हैं। रायपुर में भी चने के भाव ऊंचे चल रहे हैं और यही कारण है कि नोहर, भादरा, तारानगर, सवाईमाधोपुर, सादुलशहर, राजस्थान के ये सभी शहरों में उत्पादक क्षेत्रों में चने के भाव ऊंचे बताए जा रहे हैं। इन सारी परिस्थितियों को देख के चने में आगे मजबूती की संभावना नजर आ रही है। दोस्तों, हमने लगभग डेढ़ महीने पहले ही चने के भावों में तेजी आने की अग्रिम विश्लेषण दिया था। साथ साथ लेकिन सर, ये आपको ये भी कहना है कि चने का व्यापार सरकारी नियमों के तहत ही करना उचित रहेगा। दोस्तों, तिलहन यानी उड़द, मसूर, तुअर और चने की विशेष रिपोर्ट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे दिया गया है। दोस्तों, ये सभी जानकारियां आपको एजुकेशनल और रिसर्च पर्पज पे दी जा रही है, किसी भी प्रकार का लाभ हानि की जिम्मेदारी हमारा चैनल नहीं लेता है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।